बलवाड़ा थाना क्षेत्र के करणी माता मंदिर के आगे पुलिया के पास 5 मार्च को नाले में हत्या कर फेंके गए शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। इस अंधे कत्ल को अंजाम देने में मृतक की बहन मास्टरमाइंड निकली। भाई के रोजाना शराब पीकर उत्पात मचाने से तंग आकर बहन ने हत्या करवा दी। पुलिस ने मृतक की बहन सहित 2 युवकों और बाल आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार शव का चेहरा ढका होकर लाल चोकड़ी वाला रुमाल बंधा हुआ था एवं लाश के पास सटे हुए 2 खून लगे पत्थर पड़े थे। चेहरा पूरी तरह छत विछत हो चुका था। गर्दन पर घाव के निशान थे। शव के दाहिने हाथ की कलाई पर हिंदी में आनंद गुंदा हुआ था। प्रथम दृष्टया मृतक की हत्या पत्थरों से कुचलकर की जाना प्रतीत होने एवं उसकी पहचान व साक्ष्य छिपाने के लिए उसके चेहरे पर रुमाल बांधा गया वो उसे सड़क किनारे गहरे नाले में छिपाया गया पाए जाने पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। 5/3/2022 को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की लाश काटपुर से ओगलेश्वर के बीच में साइड में रोड के किनारे पड़ी हुई है। उस सूचना पर वहाँ के चौकी प्रभारी परमार साहब और थाना प्रभारी बलवाड़ा पहुँचे थे। उन्होंने और मैं भी पहुँचा था तो वहाँ जब देखा तो एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। उसकी उम्र करीब 25 से 30 साल तक हम लोग सोच रहे थे उसकी है। उसका मुँह ढका हुआ था और जब मुँह खोल कर देखा तो कीड़े उसमें पड़ चुके थे। ऐसा बगल में 2 पत्थर पड़े हुए थे तो ऐसा प्रतीत होता था किसी ने पत्थर से उसको मारकर उसकी हत्या कर दी है। पास में 2-3-4 क्वार्टर पड़े हुए थे। उसकी जब तलाश की गई अज्ञात व्यक्ति था तलाश की गई तो चौकी प्रभारी ने देखा कि उसी हुलिया का एक आदमी चौकी से निकल रहा है इसके एक किसी के पीछे बैठा हुआ है। जब उसकी तलाश की गई और शराब के 4 क्वार्टर पड़े हुए थे तो यह ज्ञात हुआ ये शराब यहीं आसपास से कहीं से खरीदी गई है। जब हमने सब वीडियो को वायरल किया बताया तो एक जगह ये ज्ञात हुआ कि ये अंजड़ का रहने वाला है और इसका नाम पिता का नाम मौली है और ये आनंद कोहली के नाम से इसका पता ज्ञात हुआ। मालू आनंद पिता मालू कोहली निवासी अंजड़ का ज्ञात हुआ। फिर वहाँ पर पार्टी गई वहाँ से पूछताछ की तो ये पता पड़ा था कि 5 तारीख को ये 2 बजे के आसपास वहाँ से निकला। चूँकि घटना इतनी दूर था कि वहाँ से बिना मोटरसाइकिल के नहीं आ सकता था और चूँकि मोटरसाइकिल से ही यहीं दिखा था वो चौकी पर चौकी के कैमरेज में उस आधार पर तय हुआ कि वहाँ से मोटरसाइकिल से आया था। तो सब फुटेज निकाले गए। फुटेज निकालने के बाद में ज्ञात हुआ कि ये व्यक्ति 4 लोगों के साथ आया हुआ है। सूचना के आधार पर मुखबिरी के आधार पर 3 लोगों को पकड़ा गया और कहानी जो सामने आई ये था कि इसकी एक सगी बहन थी उसकी शादी हो चुकी थी और शादी होने के बाद इसने अपनी पत्नी को मारपीट करता था शराब पीता था तो चली गई थी। फिर अपनी बहन पर बुरी नज़र रखने लगा था जो उसकी बहन ने उसके मौसी के लड़के कान्हा को बताया था कि परेशान करता और माता पिता को परेशान करता है और इसको ठीक करो। तो वो अपने 2 दोस्तों के साथ में संजू और मनोज के साथ में यहाँ पर उस दिन घटना दिनांक को लेकर आया शराब पिलाई और दोनों ने मिलकर तीनों लोगों ने मिलकर उसको पत्थरों से मार दिया। सर इसकी जो सगी बहन थी ये रहने वाली कहाँ थी? अंजड़। ये भी साथ में आई थी क्या? नहीं साथ में नहीं। इसके साथ में आने वाले कौन थे? दोस्त तो देखिए भाई था। काना उसका मौसी का लड़का था। संजू और मनोज कोहली ये काना के दोस्त थे जो खलटाका के पास में रहते बोइंदा के रहने वाले। सर वारदात था कि हथियारों से अंजाम दे रहे हैं? वारदात को जो मौके पत्थर पड़े हैं और जो चोटें आई हैं उनसे स्पष्ट है कि वो पत्थर मारकर हत्या की गई है। आप सर इसमें नाम 3 लोगों का बता रहे हैं अभी तो गिरफ्तारी 2 की हुई है। हाँ 3 लोग हैं और हमें की तलाश कर रहे हैं। कौन अभी फरार में कौन चल रहा है? एक उसका है जो कि नाबालिग उसका नाम नहीं लिया है। सर गुरु में भी उस क्षेत्र में कई घटनाएं पर आज तक खुलासा नहीं हो पाया पहला मामला है साथ की लाश का। और भी घटनाओं में भी कोशिश की गई है इसमें चूंकि बहुत बारीकी से चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी ने मेहनत की थी और लगातार लगे रहे तो कोई तो पुलिस में अगर लगातार हम कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। सफलता मिली। हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।